हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मैं हूं आरव पवार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मैंने कुछ टाइम पहले अपनी गाड़ी में टायर इंस्टॉल किए थे, तो क्या इनकी परफॉर्मेंस है, कौन सी कंपनी के टायर्स आपको लगवाने चाहिए अपनी गाड़ी में, तो ओवरऑल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि तीन चार ब्रांड है अपनी इंडियन मार्केट में जिसमें लोग कंफ्यूज आते हैं। मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था कि कौन से टायर अपनी गाड़ी के लिए बेस्ट रहते हैं, अपोलो, ब्रिजस्टोन, योकोहामा और गुडियर, ये MRF। तो तीन चार कंपनियां ये इंडियन मार्केट में लीडिंग कार के टायर ब्रांड की है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि क्योंकि अप्रोक्स जो प्राइस होता है इन सब टायर्स का सिमिलर होता है, बट हम ये सोचते हैं कि कौन सा टायर हमारी गाड़ी के लिए परफेक्ट रहेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपनी गाड़ी में कौन से टायर लगाए थे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी में योकोहामा का अर्थवन सीरीज़ इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थवन। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो R14 165x80 का इसका टायर साइज़ है। अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो जो ये प्रोफाइल है देख सकते हैं थोड़ी स्पोर्टी लुक में इस टायर की। तो अब बात करते हैं मेन इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या थी और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ऑलमोस्ट मुझे इसको इंस्टॉल करे हुए 8 से 10,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला चुका हूँ इनको इंस्टॉल करने के बाद। मैं आपको अपने मीटर की रीडिंग भी दिखा देता हूँ। जब मैंने लगवाए थे मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर चली हुई थी, अभी आप देख सकते हो कितनी चल गई है। तो 79,000 के आसपास अब मेरी गाड़ी चल गई है, तो ऑलमोस्ट 9,000 हो गए। तो इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही है कि ऑलमोस्ट मुझे 9,000 हो गए एंड टायर्स को यूज़ करते हुए। तो अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मतलब शेयर करने वाला बन जाता है। सकते हैं ये रहा अपना बिल। तो सबसे पहले आप बिल की डेट देखो, तो इन्वॉइस डेट है जो अपनी वो देख सकते हो आप 20/11/2021। तो ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने हो गए हैं टायर्स को यूज़ करते हैं, तो 6 महीने मैंने 9,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। आप देख सकते हो जो इनकी सीरीज़ है योकोहामा 165/80 R14 अर्थवन, ठीक है, 4 पीसेज मैंने लिए थे देख सकते हो आप, ठीक है। और जो ओवरऑल मुझे पड़ा था प्राइस वो आप देख सकते हो 14,900। तो भाई अभी आपको मैंने अपनी गाड़ी के टायर का बिल दिखाया, मतलब टायर की ओवरऑल लुक दिखा दी, साइज़ बता दिया सब कुछ। अब मेन क्वेश्चन जो आता है कि भाई कौन सी कंपनी के टायर लेने चाहिए वो तो बता दे, सब कुछ बता दे तूने, बट ये नहीं बताया। तो इसके लिए ना एक क्वेश्चन का आंसर और मतलब क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा ना, तो ये भी मिल जाएगा। बता दूँ कैसे कि टायर बनते कैसे हैं, ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है टायर चूज़ करने से पहले। अब आपको कि भाई ये कैसे रिलेटेबल है, खामा खा की उल्टी बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई, 2 मिनट ये बात स्किप मत करना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि भाई कैसे रिलेटेबल है। तो जैसे टायर बनते हैं ना बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर बनते हैं, बट 3 चीज़ मेजर हैं जिससे टायर बनता है। एक होता है अपना कार्बन, एक होता है सिंथेटिक रबड़, एक होता है नेचुरल रबड़। तो इनका जो मिक्सरण होता है ना वो टायर का आउटपुट होता है, इन द सेंस अगर आप कार्बन ज़्यादा कर देंगे और सिंथेटिक रबड़ थोड़ी कम और फिर नेचुरल रबड़ उससे भी कम, तो टायर बनेगा बहुत हार्ड। जैसे आते हैं अपने MRF के टायर, मतलब MRF के टायर कैसे भाई, जैसे आप देखोगे बहुत लंबे समय तक चलते हैं, बट पानी हो गया कहीं ऐसी जगह हो गई हार्ड होते हैं, बहुत स्लिप कर जाते हैं पानी वानी वाले एरिया में, तो वो टायर बहुत हार्ड होते हैं। वो टायर होते हैं अपने ऑफ रोडिंग टाइप मान लो, या फिर जैसे पथरीले इलाके के लिए MRF वगैरह के टायर बहुत परफेक्ट होते हैं, क्योंकि MRF के टायर अपने देखे होंगे कि भाई बहुत मजबूत बताते हैं लोग, मजबूत हैं, बट उसमें दिक्कत क्या है कि भाई थोड़े हार्ड होने की वजह से उनमें साउंड आती है। मतलब अगर आप हाईवे वगैरह पर तेज़ गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कभी हल्के से विंडो डाउन करोगे ना तो आपको टायर में से नॉइज़ सुनाई देगी, और अगर आप 2-व्हीलर यूज़ करते हैं तो उसमें तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि टायर की नॉइज़ कैसी है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि भाई जैसे अपना वो मैंने आपको बताया कार्बन हो गया और अपना सिंथेटिक रबड़ हो गया और नेचुरल रबड़ हो गया, इनका पर्पज़ क्या होता है। कार्बन से ना टायर, जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना टायर हार्ड बनेगा, ठीक है। सिंथेटिक जो अपना रबड़ होता है ओवरऑल वो इसलिए होता है कि भाई कितना मतलब सॉफ्ट बन सके टायर, सॉफ्टनेस की वजह से होता है कि वो उसकी हैंडलिंग अच्छी होएगी, परफॉर्मेंस अच्छी होएगी, ब्रेकिंग अच्छी होएगी और भाई माइलेज वगैरह अच्छी निकालेगा, साउंड भी कम आएगी। तो इनका जो मिक्सचर होता है वो मतलब एक रेशियो में हर कंपनी अपना अपना डिसाइड करती है कि भाई अपोलो थोड़ा कम, MRF थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से। अब जो अपने योकोहामा के टायर है ना इसमें क्या है, कार्बन एक बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, मतलब 40-50% होगा कार्बन, उसके बाद जो सिंथेटिक अपना रबड़ है और जो नेचुरल रबड़ है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। उससे क्या होता है हैंडलिंग स्मूथ हो जाती है, रोड नॉइज़ कम हो जाती है टायर्स की और काफ़ी परफेक्ट माइलेज कह सकते हैं या फिर हम परफेक्ट हैंडलिंग ये प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप अगर टायर लेते हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है अपने आपसे कि भाई मैं गाड़ी कहाँ ज़्यादा ड्राइव करता हूँ, हाईवेज़ पे ड्राइव करता हूँ या फिर मेरा जो ड्राइविंग रेंज है वो थोड़े टूटे उटे रोड हैं, तो उस टाइप से आपको देखना है। अगर आपके लिए सिटी के लिए टायर देख रहे हैं तो आपको मैं 2 ब्रांड सजेस्ट करता हूँ भाई। अगर आपको मतलब साइलेंट कार चाहिए एक तरीके से और हैंडलिंग परफेक्ट चाहिए, बहुत स्मूथ हैंडलिंग चाहिए, तो योकोहामा और ब्रिजस्टोन के साथ आप जा सकते हैं।
जोन सा आपको लगता है कि भाई मेरी गाड़ी के सबसे परफेक्ट है, आप उसके साथ जा सकते हैं। कोई ऐसे नहीं कि मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कि मैं यही दो ब्रांड बता रहा हूँ, तो आप लें, कोई भी ले सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन है योकोहामा और ब्रिजस्टोन काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई इतना मैं स्पेंड नहीं करना चाहता, तो आप अपोलो के साथ भी जा सकते हैं। थर्ड लिस्ट पर अपोलो भी आ जाता है सिटी के लिए। और अगर आप थोड़ा टूटे फूटे रोड पर ड्राइव करते हैं, तो भाई योकोहामा बिल्कुल मत लेना। अर्थ वन सीरीज़ तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप मतलब जहाँ रोड उबड़ खाबड़ है, क्योंकि उसमें क्या होता है सॉफ्ट टायर होता है, तो पत्थर वत्थर बहुत ईजिली घुसते हैं। वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे, मैं कह रहा हूँ, मैं भी बाहर उतर के दिखाऊंगा आपको गाड़ी से। बट उससे पहले बात करते हैं, अगर आप ऑफ रोडिंग टाइप्स वगैरह जगह पे गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है MRF, फिर आता है अपना अपोलो, फिर ब्रिजस्टोन, फिर योकोहामा। और अगर इसमें बीच में आप गुडियर वगैरह भी देख रहे हैं, तो देख सकते हैं, वो अपना अपोलो के बाद आता है गुडियर का टायर मेरी लिस्ट में। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो कोई भी टायर का क्या करना है, आपको सिंपल से गूगल पर जाना है भाई, उसका सीरियल नंबर लिखना। जैसे अर्थ वन सीरीज़ है, अर्थ वन के बारे में आप देख सकते हैं कितना मिक्सचर है, कितना कैसे है, सब कुछ आ जाता है गूगल पे, उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सॉफ्टनेस के, जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि भाई मतलब टायर सॉफ्ट है, योकोहामा का अच्छा है, इसके नुकसान क्या है, फ़ायदा आपको सारे बता दिए, नुकसान भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए गाड़ी से बाहर निकलते हैं भाई। गाइस मैं अब आ गया हूँ गाड़ी के बाहर, आप देख सकते हो, जैसे कि टायर मैं अपने सॉफ्ट बता रहा था, इनको प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखो कितने आसानी से नरम है बिल्कुल। अब इसमें आप देख सकते हो ये हो गया इसका भाई, ठीक है, साउंड वाउंड कम आती है, फायदा। अब नुकसान देखो, जैसे अगर आप मैं ऑफ रोड वगैरह पे थोड़ा सा गया हूँ, ये देखो इसमें हल्का सा छोटा सा पत्थर घुसा हुआ है, तो इससे क्या होता है पंचर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस एक यही जो मतलब ड्रॉबैक है इन टायर्स का, यही है कि जो आप मतलब अगर आप सॉफ्ट वाले टायर्स थोड़े लेते हैं, तो ऑफ रोडिंग वगैरह एरिया पे, जो उबड़ खाबड़ रोड पे, उन पे ऐसे थोड़े से चांसेस आपके बढ़ जाते हैं पंचर के, अगर आप इनको मतलब थोड़ा देख के चलाते हैं तो चल जाएंगे। बट ऑफ रोडिंग के लिए वाले टायर बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ रोडिंग के लिए आपको मैंने तीन ब्रांड बताई हैं, अपोलो, MRF और ब्रिजस्टोन के साथ जा सकते हैं, बट योकोहामा के साथ नहीं जा सकते। अब भाई अर्थ वन सीरीज़ के साथ नहीं जा सकते, योकोहामा में भी काफ़ी सीरीज़ आती हैं अर्थ वन के अलावा, जैसे आपको दिखाया था अर्थ वन, इसके अलावा आप कोई और सीरीज़ देख सकते हैं, बट अर्थ वन नहीं देख सकते। ऑफ रोडिंग के लिए सिटी के लिए परफेक्ट है भाई। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।